दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आज का नया वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि भैया ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे भी एक चीज छाई है, उसका नाम है डालगुना कॉफी। इंस्टाग्राम पे भी ये डालगुना कॉफी बड़ी एक स्पेशल कॉफी है। स्पेशल क्यों है भैया, आपको ममता बताएगी। मीनवाइल एक चीज बता दूं दोस्तों मैं आपको, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है ना मेरी, तो मैं वीडियो के बाद में चंद्र भैया से पूछूंगा और ठीक करूंगा इसको। नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन भी यही है, डालगुना कॉफी। और ये कुछ नहीं, एक स्पेशल काइंड ऑफ जो कोल्ड कॉफ़ी है उसी की मतलब वो है। इसमें ब्लेंडर यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कोई मिक्सी वगैरह का यूज़ नहीं है। जो नॉर्मल दूध है उसमें आइस डाल के और जो कॉफ़ी है उसको ऊपर से पोर किया जाता है और मिक्स करके उसको मतलब ड्रिंक किया जाता है। तो नॉर्मल जो कोल्ड कॉफ़ी है उसी का एक एडवांस वर्जन बोल सकते हैं हम। और कोई एडवांस वर्जन नहीं है बेसिकली, इसको एक नाम कोल्ड कॉफ़ी दिया है। तो अगर मैं बात करूँ कि हम इसको अगर बोलते धानसु कॉफ़ी तो भी चल सकता है। तो हरियाणा वाले समझ सकते होंगे धानसू क्या चीज होती है। तो भैया धाकड़ कुछ बोल दो चाहे। अब हुआ क्या कि ये जो कोरियन एक टीवी सीरियल है उसमें कोई एक्टर है भाई साहब, जिनकी फोटो मैंने ये देखो यहाँ डाल दी है। ये भाई साहब किसी रेस्टोरेंट पे गए थे, इनको जो कॉफी का टेस्ट था ना वो कुछ ऐसा लगा, किसी डालगुना टॉफी या कोई चॉकलेट एक कुछ चीज आती है वहाँ पे, उसके जैसे तो उन्होंने उसको नाम दे दिया। पर्टिकुलर नाम है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है भाई, नॉर्मल कॉफी है। और वो कैसे बनती है आज की वीडियो में हम देख लेते हैं उसको। जैसे वही है, डालगुना भी नहीं बोला था उन्होंने इसको, मैंने कहीं पढ़ा था। उसका जो नाम है वो कुछ और है, मतलब किसी दूसरे फूड से इसका टेस्ट रिलेट करा था उन्होंने, उसके बेस पे इसका नाम डालगुना रखा था। लेकिन उसका नाम भी कुछ और है, जैसे पोटैटो होता है जैसे, और शायद महाराष्ट्र में इसको बटाटा वड़ा कुछ करके बोलते हैं। तो जैसे पोटैटो को बटाटा बोलते हैं, उसी प्रकार जो मतलब उसका जो ओरिजिनल नाम था फूड का, उसके बेसिस पे किसी ने इसको सुन के और डालगुना रख दिया। टाइम खराब नहीं करते, समरी यही है कि भैया नाम इसका कोल्ड कॉफी या कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, कोल्ड कॉफी है बस, थोड़ा स्टाइल जो है बनाने का स्टाइल। क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है हर रेस्टोरेंट पे जाओगे ना आपको सब अलग अलग तरह से कॉफी सर्व करते हैं, लेकिन होता वही है, कॉफी होती है, चीनी होती है और दूध होता है, आइस होती है। हाँ, ये बेसिकली दूध वाली कॉफी थी जो भाई साहब को स्वाद लगी और उन्होंने इसको धानसू धाकड़ या फिर डालगुना कॉफी। लेकिन इसका टेस्ट है जो मतलब है कोल्ड कॉफी, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है उससे, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं है। टेस्ट अलग इसलिए है क्योंकि इसमें ना हाथों की मेहनत ज़्यादा लगने वाली है अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो। और ममता ने कितनी बार विस्क किया इसको वो भी वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे कि क्या फ़र्क आता है ज़्यादा विस्क करने के बाद। बढ़िया शोल्डर वर्कआउट हो गया मेरा। हाँ तो चलिए, बंद होने का फ़ायदा हो रहा है। चलिए देख लेते हैं पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, कॉफ़ी आप घर में कोई भी अवेलेबल हो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाउच लेके आ रहे हैं तो बस ये ध्यान रखना आपको कि क्वांटिटी जो है वो इक्वल रहनी चाहिए। तो यहाँ पे दो जो टीस्पून है वो हम कॉफ़ी ले रहे हैं, और क्योंकि अभी हम दो बंदे हैं तो अगर थोड़ा ज़्यादा बन भी जाएगी तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा बना के पुराना बीट करके रखने कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेश बनाते हैं और उसी को कंज्यूम करते हैं। तो मैंने दो कॉफ़ी, दो दो चम्मच जो है तीनों चीज़ ले ली है। ये गर्म पानी, कैटल नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसमें गर्म कर सकते हैं पतीले में, बस थोड़ा सा पानी, और इस पानी को रख लीजिए अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सकते हैं, उसको ढक के रख सकते हैं। और बस अब हाथों की मरम्मत जो है वो स्टार्ट करनी है और बस लगे रहो। आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 बीट के बाद थी, ये 200 बीट्स के बाद थी, और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो 400 बीट करने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, और लगभग अगर आप कर लेते हैं इसको 500 बीट तो आपकी जो कॉफ़ी है कुछ ऐसी दिखने वाली है। और ये टाइमर की अगर मैं बात करूँ तो ममता ने टाइमर लगाया तो 3 मिनट पूरे लगे 500 बीट करने में, और कॉफ़ी जो है कुछ ऐसी दिखेगी, और इसकी कंसिस्टेंसी वो आप देख सकते हो कुछ ऐसी बनने वाली है। थोड़ा सा ना टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, जितना ज़्यादा बीट करते हो उतनी कॉफ़ी आपकी अच्छी बनती है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और बीट कर लेते हैं 1000 टाइम्स इसको करके देखते हैं, ताकि मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि कंसिस्टेंसी में क्या डिफरेंस आया। तो आप 1000 टाइम अगर इसको बीट कर लेते हो ना तो देखो कुछ ऐसी कॉफ़ी बन जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी सी ना ये टाइट लग रही है, तो एक काम करते हैं हल्के 2 टीस्पून टाइप इतना पानी और मिला लेते हैं इसमें, और ये गर्म पानी जो गटल में बचा हुआ था ये यूज़ कर लिया, और फिर से उससे लगभग 200-300 बार बीट और कर देते हैं। तो हाथों की भैया अच्छी मेहनत भी हो जाएगी, लेकिन आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना कॉफ़ी आपकी उतनी ही डिलीशियस बनने वाली है। तो अब देखिए कंसिस्टेंसी आपको देख के अंदाज़ा लगेगा कि क्रीमी ज़्यादा होगी। अब ये बिटन कॉफ़ी जो होती है नॉर्मली हम 200-300 बार बीट करते हैं, लेकिन अब ये ना जो क्रीम की शेप ले ली है इसने, और अब आपको मिक्सी में ब्लेंड करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मल जो है आप चम्मच से मिक्स करेंगे तो भी एक बहुत अच्छी आपकी कॉफ़ी बन जाएगी। तो मतलब कहीं ब्लेंडर की यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, जो ब्लेंडर का काम जो था वो हाथों ने कर दिया। यहाँ पे एक हिस्सा जो है आइस डाल लिया, आइस क्यूब अगर बड़े थोड़ा सा उसको तोड़ लीजिए ताकि चम्मच से मिक्स करना इजी हो जाए, छोटे पीसेस कर लीजिए, दो हिस्से दूध के और एक हिस्सा फिर जो है आपकी कॉफ़ी का हो जाएगा।
तो जो कॉफ़ी है ना, जो कॉफ़ी का जो मिक्सचर है उसको आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिसको भैया कम मीठा चाहिए उसको कम डाल दीजिए, जिसको ज़्यादा मीठा चाहिए उसमें आधा चम्मच ज़्यादा डाल दीजिए और एक बेहतरीन कॉफ़ी जो है बन के आपकी रेडी हो जाएगी। बस दोस्तों यही थी डालगुना कॉफ़ी। तो आप अपने घर पर इसे बड़े आराम से बना सकते हैं और ये सब चीज़ें घर पर अवेलेबल भी होती है। कॉफ़ी आप घर पर बनाइए, इसको ट्राई कीजिए और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए और टेस्ट कैसा लगा वो कॉफ़ी बना के पी के फिर हमें बताइए। बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपकी ये डालगोना दासू दाकड़ कॉफ़ी कैसी बनी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय।